दुनिया में वक्त किसके पास है, हर आदमी मसरूफ है अपनी जिंदगी में। मुझे पता है आपको भी वक्त नहीं मिलता, फिर भी कभी वक्त मिले तो किसी बच्चे से पूछ के देखिएगा कि वो बड़ा होके क्या बनना चाहता है, और सुनिएगा ध्यान से उस बच्चे से उसके सपनों के बारे में। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसे अपने सपने पे यकीन है या नहीं, आपको उसका यकीन उसकी आंखों और उसकी बातों में बिना पूछे ही दिख जाएगा। अब अगर थोड़ा वक्त और मिले तो खुद से भी पूछ के देखिएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, और ये भी पूछिएगा कि क्या आपको यकीन है कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। अगर आपका जवाब हाँ हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप काम करते रहिए अपने सपनों पर। पर सच तो ये है कि अक्सर लोग जब भी अपने सपनों की बात करते हैं, कुछ करने कुछ बनने की बात करते हैं, उनके सपने के साथ एक लेकिन जुड़ा होता है। मैं क्लास में फर्स्ट तो आना चाहता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस तो शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन जितने लोग उतने लेकिन, सबके अपने अपने लेकिन, और यही फर्क है। एक बच्चे को कामयाबी के सिवा, अपने सपने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और आपको अपनी मुश्किलों, अपनी कमियों और अपने लेकिन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बचपन से जवानी के सफर में उम्र बढ़ जाती है, समझदारी बढ़ जाती है, पर खुद पर यकीन कम हो जाता है। जब जिंदगी में यकीन कम हो जाए तो हम बड़ा सोचना और बड़े सपने देखना बंद कर देते हैं और जीने लगते हैं एक झूठी जिंदगी। हम खुद से रोज झूठ बोल लेते हैं कि हमें जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम रोज खुद को समझा लेते हैं कि जिंदगी में जो है जितना है बहुत है, जबकि सच तो यह है कि हम सब जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना। देखिए उन लोगों को जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, देखिए उन लोगों को जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं। ये लोग आसमान से नहीं टपके हैं, इन लोगों ने कोई स्पेशल बादाम नहीं खाए हैं, ये भी हमारे आप जैसे ही लोग हैं। इनकी जिंदगी में भी लेकिन था, और वो लेकिन इनके सपनों के सामने बहुत छोटा है। इन्होंने अपने किसी लेकिन को अपना बहाना नहीं बनाया, इन्होंने अपने किसी लेकिन की वजह से अपने सपनों पे काम करना बंद नहीं किया। क्या आपको पता है कि लोग कितने कदम चलने के बाद अपने सपने पे काम करना बंद कर देते हैं बिना एक कदम चले? सबसे पहले लोग सोचते हैं कि उन्हें कामयाब होना है, फिर वो सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए ये रास्ता बेहतर है, फिर वो सोचते हैं उन मुश्किलों के बारे में जो उस रास्ते पे आएंगी, फिर वो सोचते हैं उस वक्त के बारे में जो उस रास्ते पे लगेगा, और आखिर में वो ढूंढ लेते हैं अपना एक लेकिन, अपना एक मगर, कि वो उस रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते, और मिल जाता है उन्हें एक बहाना अपने सपने पे काम ना करने का। और इस बहाने से लोग खुद को बहला लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि क्यों उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। कमाल है, आपने एक सपना देखा और बिना एक कदम चले, बिना कोई कोशिश किए उसे डब्बे में बंद करके रख दिया, वाकई कमाल है। अरे भाई, क्यों सोचे कि जिंदगी में कल क्या होगा, कुछ ना होगा वो तजुर्बा होगा। हाँ, ये सच है कि हर कोशिश कामयाब नहीं होती, पर ये भी तो सच है कि हर नाकामयाब कोशिश हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, और कोशिश करने वालों की
सपने पूरे करने हो तो सपनों पे काम करना पड़ता है, बिना रुके बिना किसी बहाने के रोज चलना पड़ता है। खड़े रहकर आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा, धीरे धीरे ही सही पर कदम बढ़ाते रहिए। बंद कीजिए वही बेतुके, वही घिसे पिटे बहाने बनाना और वही घिसी पिटी जिंदगी जीना। बहुत हो गया ये लेकिन वेकिन अगर मगर, क्योंकि ये लेकिन आपको ना कहना सिखा देता है। आप हर चीज को ना कहने लगते हैं बिना ये जाने कि किसी काम या किसी आइडिया को ना कहने का मतलब है अपने सपने अपनी जिंदगी को ना कहना। सोच के देखिए कितने बढ़िया कितने लाजवाब आइडिया है आपके पास। सोच के देखिए कितना कुछ है जो आप करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं। तो उठा लीजिए वो पहला कदम अपने सपने अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हर लंबे और खूबसूरत सफर की शुरुआत इसी पहले कदम से होती है। अगर आपने अपने सपनों पर काम करने का फैसला नहीं किया, अगर आपने जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने का फैसला नहीं किया, अगर आपने अपने डर का सामना करने का फैसला नहीं किया, अगर आपने अपनी जिंदगी अपने सपनों को हाँ कहने का फैसला नहीं किया, तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे छूट जाएंगे। आज फैसला कर लीजिए कि आप कुएं के मेंढक नहीं हैं और कुएं से बाहर निकलने को तैयार हैं। आज फैसला कर लीजिए कि कामयाब होने के लिए अपने सपने पूरे करने के लिए जो भी सीखना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा आप उसके लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं हर आंधी हर तूफान का सामना करने के लिए। आप तैयार हैं हर काली अंधेरी रात का सामना करने के लिए। वक्त कितना भी बुरा हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, कैसी भी चुनौती हो, आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे। खड़े रहेंगे डटे रहेंगे अपने सपनों के साथ, क्योंकि जब आप अपने सपनों के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये दुनिया ये कायनात भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। आपका सपना आपके हर लेकिन हर अगर हर मगर हर किंतु हर परंतु से बड़ा है। निकाल फेंकिए हर लेकिन हर अगर मगर को अपनी जिंदगी की डिक्शनरी से और लिखना शुरू करिए अपने आने वाले खूबसूरत कल की कहानी।